सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है और अनूठी है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आज मैं श्वेता खन्ना, कक्षा दूसरी की अध्यापिका, आपको भाषा और व्याकरण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं भाषा क्या है। भाषा अगर मगर जगर, पहुंच गए हम भाषा के नगर। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों को तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। आइए जानते हैं मौखिक भाषा क्या है। जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारे बोलों द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा हमारे भाव को समझने का प्रयत्न करता है, वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे यहाँ बच्चा अपनी माँ को बोलकर कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है तथा माँ सुनकर उसके विचार समझने का प्रयास कर रही है, यह भाषा का मौखिक रूप है। ऐसे ही भाषा का लिखित रूप है, जहाँ पर हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप है। हम तो लिखकर बोलकर अपने विचार प्रकट कर लेते हैं, परंतु ये जानवर क्या करते हैं? क्या इनके पास भी भाषा है? नहीं, जानवरों की अपनी कोई भाषा नहीं है। ये लोग अपनी बोली द्वारा दूसरों को अपनी बात समझाते हैं। इनकी बोली क्या है? जैसे चिड़िया चहचहाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कौआ काऊं काऊं करता है, कबूतर गुटर गु करता है। ये है जानवरों की बोली। इसे भाषा नहीं कहेंगे, ये सिर्फ बोली है। बोली का अर्थ है जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह है बोली। जब हम लिखकर या मुख से शब्दों के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तब वह भाषा बन जाती है। जिस तरह भाषा का महत्व है, वैसे ही हिंदी में व्याकरण का अति महत्व है। भाषा और व्याकरण दोनों को ही समझना अति आवश्यक है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने का हमें ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ एक वाक्य दिया गया है, मेरे को बाजार जाना है। क्या यह व्याकरण का शुद्ध रूप है? नहीं, यह शुद्ध रूप नहीं है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जरा सोचिए, विचार करिए। इसका शुद्ध रूप है, मुझे बाजार जाना है। मेरे को जो शब्द है वह गलत प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रयोग किया जाएगा, मुझे बाजार जाना है। व्याकरण अति आवश्यक है। यहाँ आप कुछ चित्र देख रहे हैं। आपने क्या करना है, ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। आप यहाँ पर चित्र देखकर उस भाषा का रूप लिखेंगे। आप ये स्वयं करने का प्रयास करिए। मैं आपको अगले पाठ में मिलूंगी। धन्यवाद।